राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो होपफुली आप भी सब ठीक ठाक हो गए भाई कोविड की सिचुएशन में। यहाँ पे भी सिंगापुर में भी सिचुएशन काफ़ी मतलब कंट्रोल में रही है, लेकिन सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट रहा है, 2-3 महीने रहा है यहाँ पे भी। फरवरी मार्च स्टार्टिंग से ही हो गया था, तो हमारा भी एक्चुअली कुछ स्केड्यूल थोड़े डिफरेंट हो गए थे कि अभी ये बाहर नहीं निकलना, मास्क हैड टू पुट ऑन एवरी टाइम्स, नो लाइक ऑल द F&B लाइन एवरीवे इज़ क्लोज्ड, इज मोस्ट ऑफ द सेक्टर एवरीथिंग वॉज क्लोज टोटली। एसेंशियल सर्विस में हम काम कर रहे थे, जो कि रेस्टोरेंट एसेंशियल सर्विस में आते हैं, दैट वॉट ओनली लाइक डिलीवरी वॉज अलाउड। तो भी आज मौका मिला दोबारा से व्लॉग करने का। एक अपना भाई है अंकित, वो सोनीपत से ही है, हरियाणा से, तो काफ़ी दिन से मिलने कह रहा था क्योंकि वो अपने वहीं से होम टाउन से ही है, तो उससे भी नहीं मिल पाया क्योंकि कोविड की सिचुएशन में कहीं आना जाना अलाव ही नहीं था। आप किसी को विजिट नहीं कर सकते थे कि आप किसी से मिल नहीं सकते, मतलब बाहर भी नहीं मिल सकते थे आप किसी से। तो आज भाई से मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए, काफ़ी दिन हो गए वो लोग, क्योंकि हमारा स्केड्यूल ऐसा हो गया कि बाहर जाना वीडियो वगैरह करना अलाउ नहीं था। तो आज मौका मिला है और भाई आया अपना, उनसे मिल रहा हूँ मैं MRT पे। तो आज जाते हैं हम कोनी आइलैंड, अपने घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, 15-20 मिनट का रास्ता है। सो लेट्स चेक इट आउट कैसा रहता है। आई जस्ट टुक द बस, एक्चुअली एक ही स्टॉप अपने घर से, यहाँ से बस लेके इधर ही अपना MRT स्टेशन पे, और इसके बाद LRT। सो वी आर इन MRT नाउ। तो यहाँ पे नीचे MRT चलती है बेसमेंट में और ऊपर LRT है। वो LRT जो अपने ये जो अपनी रामपुंगल में रहते हैं इस एरिया में, उनको कनेक्ट करती है, और ये नीचे ऑल द वे लाइक ये पूरा आइलैंड वाइज जाती है नीचे MRT, और ये ऊपर ओनी नेपोंगल एरिया। अब अपना आ गया LRT पे विलोम हीट पे, बस मास्क अभी निकाल नहीं सकते, मास्क जाकर निकाल लेंगे कोनी आइलैंड में जब साइकिलिंग वगैरह करेंगे। और भाई राम राम करते भाई, राम राम भाई, सारा ना। क्यों भाई, मैं अपना सोनीपत से है, तो मिलने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे हम फैब से, फरवरी के टाइम पे जब फिर लॉकडाउन लग गया, भाई कॉलेज बंद हो गए तो अपने काम को बंद हो गए, तो मिलना जुलना बंद। तो अभी मौका मिला मत कोनी आइलैंड खुला है, खुल गया पिछले में, लेकिन वो थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो गया था, दोबारा काम पर जाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी LRT पे हमें अभी निकल रहे, बस 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है यहाँ से भाई, तो अभी चलते हैं आपको कोनी आइलैंड घुमाएंगे आज। मस्त आइलैंड है वैसे, सिंगापुर में बहुत सारे आइलैंड जो मेरे को भी नहीं पता सच बताऊँ तो आपको इतने सालों में, लेकिन अभी सभी एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे आइलैंड सिंगापुर में, अपने पुंगोल एरिया में बताता हूँ बहुत है। तो मिलते हैं आपको आइलैंड पे, और करके बताओ सिंगापुर के बारे में भाई, किस हाल उड़े जाकर देखते हैं जो कड़ा है। चलो ठीक है भाई, की बात है बना ड्राइवर की बना ड्राइवर की सारी आदत अपने ड्राइवर की। LRT तुम पहले भी नहीं होगी है, LRT है बैठे हैं पहले, मैं ड्राइवर वाली पे बैठे थे, मैंने ड्राइवर वाली में आज बैठा पहली बार। ना ना पहली बार नहीं, जितनी MRT चला सिंगा पर ड्राइवर की है। अच्छा हाँ, तो मैंने भी याद ला के अच्छा, ये खाली जो रेड लाइन है ना वो, और एक ग्रीन लाइन जो पुरानी MRT है, बस वो है जो स्टार्टिंग से वो ड्राइवरों के साथ चलती है बस। तो भाई हम पहुंच गए अपना कोनी आइलैंड, आइलैंड आया नहीं भाई, बस हम LRT से नीचे उतर का आए हैं आज। हम कितना भी दौड़ लगाऊंगा ऐसी पूरी सिंगापुर में, अंकित तो पहले भी दौड़ लगा करता हाँ दौड़ दिक्कत ना, अब हरियाणा नु कम ना माना करते हम लग और कौन लग गए हैं, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, गर्लफ्रेंड क्यों मार रहा है ले रहा तू ना ना कोई ना कोई ना है
बस आना ना बना देता अंकित की भी घनी स्टोरी है भाई सिंगापुर में छा रहा पूरा घर क्या ने मेरा ला गया ना तोड़ देंगे कोई नहीं बता देंगे फिर ना ना कुछ ना इसी बात मजाक कर रहे भाई भाई बाबा पोच चला बस तो वैसे दिखा रहा था मैं आपको काफ़ी पोर्स एरिया सिंगापुर में पुंगोल एरिया और यहाँ पे जबरदस्त है मैं सच बताऊँ ना मैं खुद पहली बार आया मैं ऐसे बाइक बुक पर निकल जाए फिर ऐसे ड्राइव करते निकल जाए यहाँ से लेकिन अपना कोनी आइलैंड पे घूमने से पहली बार आया मैं भी तो चलो चलते हैं अंदर गर्मी बहुत हो रही है पहले चील आउट फॉर वायर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आपको लोकेशन दिखाते हैं आइलैंड की यहाँ पे मस्त जगह है वैसे कहाँ पे गए तू घूमने सिंगापुर में मैं हाँ संतोषा गया था एक बार संतोषा फिर लॉकडाउन लग गया ओके भैया है आ गया है बढ़िया लोग फिशिंग वगैरह कर रहे हैं फिशिंग कर रहे हैं कितनी करनी फिशिंग 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 करा कर है फिशिंग करनी है ना अरे कर ले कि मतलब नया कर ले गोते मारने दे गोते मारने दे गर्मी हो रही है सलाह का जगह देखेंगे गोते मार लिए जो देखे उसने ऊपर बताए दे जा सिंगापुर में क्या है 5 मिनट का तो रास्ता जा रहा है गर्मी लग रही कितने बियर बियर पहला कला हैं कित हैं बियर बियर मार ले कला मार ले मार ले मार ये अपना भाई कोनी आइलैंड तो हम यहाँ पे आ गए कोनी आइलैंड तो भी देखते हैं आगे क्या है लेट्स फाइंड आउट सम रेस्टोरेंट फर्स्ट क्या दिखा है ये सी फूड के फार्म है क्या है ये है क्या रे पहाड़ी पुड़ी को पहाड़ी जंगल बस रहा पूरा सिंगापुर में है और अच्छा पुंगोल सेटलमेंट देखो साइकिलिंग करनी है साइकिलिंग करनी है देख लो तू बता मेरे कर लेते हैं कर लेंगे आया तो कुछ तो करें हाँ हाँ क्या मिलता है यहाँ पे क्या नहीं घने दिन हो गए तो बढ़िया है कर ले स्कैन ना चला आगे ले होंगे साइकिल बढ़िया आ जा अच्छा उड़ा को कर जा दा कहां पे पहाड़ पहाड़ पे अलाउ नहीं है भाई सिंगापुर है अच्छा। देखते हैं अगर आइलैंड के थ्रू निकल के तो चलते हैं कुछ देखते हैं यहां पे क्या है तंदूर लो ए फाइनेंस इंडियन क्विजिन बार एंड कैफे कम ऑन मैन इंडियन रेस्टोरेंट है कहां पे भाई इंडियन रेस्टोरेंट है प्लस चेकआउट चला है खाना कुछ ताई नहीं दिखी रमन ताई हाँ 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 ताई खरीद